हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवित्रास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेवई उपमा की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप आपके ब्रेकफास्ट में इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये बनाने में भी बहुत इजी है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे पानी 6 कप, ये लगभग 1.5 लीटर पानी है। इसमें हम डाल रहे हैं नमक 1 चम्मच, तेल 1 चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो पानी गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल रहे हैं सेवई 1 कप। इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे और इसे थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे। कम से कम इसे 5 मिनट ही पकाना है। देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। देखिए, अब हम एक पैन हीट कर लेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं तेल 2 बड़े चम्मच, मस्टर्ड सीड्स 1/2 चम्मच, उड़द दाल 1/2 चम्मच, चना दाल 1/2 चम्मच, करी पत्ता कुछ, और 2 बड़े चम्मच पीनट्स। इसे हम अच्छे से भून लेंगे लगभग 1 मिनट तक। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च 4 से 5, ये मैंने रफली कट किया है। अदरक ग्रेट किया हुआ 1/2 चम्मच। अब हम डालेंगे प्याज 1 कप चॉप किया हुआ, और इसे गोल्डन होने तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी 1/4 चम्मच, और फिर से इसे हम मिक्स कर लेंगे। नमक 1/2 चम्मच, एज पर टेस्ट डाल सकते हो, क्योंकि हमने सेवई बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला हुआ है, तो एडजस्ट करके ही डालना है नमक। अब हम इसमें जो हमने कुक किया हुआ सेवई है वो मिक्स कर लेंगे। इसे जेंटली मिक्स करना है। देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे 2 मिनट तक कुक होने देंगे लो फ्लेम में। अब हम डालेंगे धनिया, फ्रेश धनिया 2 बड़े चम्मच, और फिर से इसे हल्के से मिक्स कर लेंगे। देखिए, फ्लेम ऑफ करना है। हमारा सेवई उपमा रेडी है सर्व करने के लिए। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, और बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।